नमस्कार, साथहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने चीन द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि कई जगहों से पीछे हटा है चीन, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सेना वापस नहीं गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भविष्य में इसको लेकर बैठक करेंगे। बता दें, चीन ने दो दिन पहले ही कहा था कि ज्यादातर जगहों से दोनों देश पीछे हट चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियों द्वारा किए गए खर्च में से आधे से ज्यादा अकेले खर्च किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी आई है। रिपोर्ट में 5 राष्ट्रीय पार्टी जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और एनसीपी शामिल है, जबकि बाकी 5 क्षेत्रीय पार्टियों के खर्च का हिसाब लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय पार्टियों का खर्च 1,309 करोड़ से अधिक है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की जोरदार तैयारियों के बीच एक जबरदस्त विघ्न आया है। मंदिर के एक पुजारी और सुरक्षा में तैनात 16 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन से पहले इस समारोह के भव्य आयोजन में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार को इससे झटका लगा है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण कैसे फैल गया और ऐसी स्थिति में 5 अगस्त का कार्यक्रम कैसे होगा। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के मामले में नया मोड़ आ गया है। खुद सैफुद्दीन सोज ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दिए गए हलफनामे को झूठा बताया है। ताजा घटनाक्रम में वो अपने घर की दीवार से झांककर मीडिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तभी अचानक से पुलिसकर्मी आकर उनके हाथ दीवार से पीछे खींच लेते हैं और उनको बोलने से रोक देते हैं। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठ बोला। बता दें, सैफुद्दीन सोज की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात मानकर यह याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, उनकी ही पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के मामले में 4-4 साल की सजा सुनाई है। बता दें, साल 2000 से 2001 में तहलका नाम के एक निजी मीडिया हाउस ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसरों और नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बागी विधायकों को लेकर कहा है कि वो चाहते हैं कि नाखुश विधायक भी विधानसभा सत्र में शामिल हों। गहलोत ने कहा, क्योंकि सभी विधायक कांग्रेस के निशान पर चुनकर आए हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी जनता के सामने सरकार के साथ खड़े दिखें। राजस्थान में 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया जाना है। उससे पहले पायलट गुट के एक विधायक ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सभी विधायक हर हाल में विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। विधायक ने यह भी कहा कि जयपुर लौटने के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। बता दें, बागी विधायकों को सत्र में जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कांग्रेस फ्लोर टेस्ट की स्थिति में व्हिप जारी करती है और विधायक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। गुरुवार सुबह राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 24 जुलाई तक फैसला न लेने के आदेश को एक बार फिर चुनौती दी है। इससे पहले उन्होंने अपनी याचिका पर सुनवाई होने के बाद भी इसे वापस ले लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार पुलिस से फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में हुई एफआईआर की कॉपी मांगी है। बता दें, सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र के बैंक के खाते से कम 15 करोड़ रुपए अज्ञात खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। इसी लेन देन की जाँच ईडी कर सकती है। सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देरी से कराने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि इस समय ट्रंप चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना के समय में मतदान कराना सही नहीं होगा। ट्रंप ने एक ट्वीट में पूछा, जब तक लोग ठीक से सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते तब तक चुनाव में देरी होनी चाहिए। भारत में बीते 24 घंटों में 52,000 से अधिक नए मामले आए हैं और 775 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,83,000 से अधिक हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या करीब 35,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 5,28,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,67,000 से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 24,83,000 से अधिक हो चुका है और यहाँ मरने वालों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।